hearing impairment and associated condition. First, scope of presentation. I will share the introduction, part of the introduction, deaf, small deaf, deaf and hearing impairment, mode and method of communication, method and technique of teaching, strategy of teaching, role of assessment in teaching. So, अब यहाँ से start करते हैं. सबसे पहले introduction देखते हैं. Introduction. Education is the children with hearing impairment is an ever growing and challenging job for the special teacher. जैसे सारे सामान्य बच्चे पढ़ सकते हैं, वैसे hearing impairment बच्चे भी पढ़ सकते हैं. और इनको पढ़ाना स्पेशल टीचरों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है और एक चैलेंजिंग जॉब है. स्पेशल बच्चे को के लिए एक सीरियस अटेंशन होने की जरूरत पड़ती है. हम जैसे एक सामान्य बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वैसे स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्ट्रेटजी नहीं होती है. उनके लिए एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है. एजुकेशन में एजुकेशन का उद्देश्य ही होता है कि उनको हर एक इंडिविजुअल को उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको लाइफ में आगे लेके जाया जाए. अब यहाँ से बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल नीड वाले बच्चों में सेंसरी इंपेयरमेंट बच्चे कौन से होते हैं. तो मेरा जो जो टास्क है, जो मेरा टॉपिक है, वो सेंसरी इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है. हियरिंग इंपेयरमेंट जो है वो सेंसरी इंपेयरमेंट का भाग होता है. तो सबसे पहले देखते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट. सेंसरी इंपेयरमेंट इज व्हेन वन ऑफ द सेंसेस साइट हियरिंग स्मेल टच टेस्ट एंड स्पेशियल अवेयरनेस नो लॉन्गर नॉर्मल. ऐसे बच्चे जिन बच्चों में सेंस से संबंधित समस्या हो, वह सामान्य ना हो, जैसे सुनना हुआ, सूंघना हुआ, टच करना हुआ, टेस्ट करना हुआ, देखना हुआ, ये जो सेंसेस है, पांच इंद्रियां जो है, वो पांच इंद्रियां अगर सामान्य रूप से काम नहीं करती हैं और उनमें वह एक बेंचमार्क से ऊपर होता है, 40% से ऊपर अगर उनके में इनेबिलिटी पाई जाती है, तो ऐसे को सेंसरी इंपेयरमेंट कहते हैं. कम्युनिकेशन इज द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस साइटेड एंड हियरिंग पर्सन विल एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स. ऐसे बच्चे जिनके में सुनने में और देखने में जो समस्या होती है, वह उनका असर जो है वह उनके कम्युनिकेशन में पड़ता है. तो कम्युनिकेशन का चैलेंजेस उनके में ज्यादा आता है. इसलिए जो सेंसरी इंपेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, जो हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे हैं, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा उनको ज्यादा आगे इंक्रेज करने की आवश्यकता पड़ती है और उनके अंदर में रुचि जगाने की आवश्यकता पड़ती है. अब बात करते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट के कितने प्रकार हैं, सेंसरी इंपेयरमेंट किसको कहेंगे. तो सेंसरी इंपेयरमेंट में जो हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया है, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें सेंसरी इंपेयरमेंट, तो जैसे मैंने पीछे बताया कि पांच इंद्रियां होती हैं, तो पांच इंद्रियों से जो प्रभाव पड़ता है उसे सेंसरी इंपेयरमेंट कहते हैं. तो सेंसरी इंपेयरमेंट में कह सकते हैं डेफ एंड हियरिंग इंपेयरमेंट. जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं और वह बिल्कुल या बोल नहीं सकते हैं, सुनने की वजह से बोल नहीं सकते हैं, तो उनको सेंसरी इंपेयरमेंट कहते हैं. ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं या उनको देखने की शक्ति कम है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो ब्लाइंड या विजुअल इंपेयरमेंट कहते हैं. या ऐसे बच्चे जिनका सुनना भी बाधित है और देखना भी बाधित है, वह दोनों एक साथ है, तो ऐसे को कहेंगे डेफ ब्लाइंडनेस. तो ये तीन प्रकार की कैटेगरी सेंस से संबंधित जो तीन प्रकार का जो अक्षमता पाई जाती है, उसे सेंसरी इंपेयरमेंट कहते हैं. आगे देखते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है. हियरिंग इंपेयरमेंट ऐसा होता है, हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे जिनमें सुनने में जो अक्षमता होती है, उन्हें हियरिंग इंपेयरमेंट कहते हैं. यह एक छुपी हुई अक्षमता होती है, इसे हम छुपी हुई दिव्यांगता भी कहते हैं. यह इसको कोई देख नहीं सकता है, सुनना कोई देख नहीं सकता है, एक सामान्य बच्चों जैसे ही भी दिखते हैं, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है. आप नहीं देख, अगर यह ईयरफोन और ये अगर हियरिंग एड ना लगाए, तो कोई ये पहचान नहीं सकता है कैसे बच्चे वो हियरिंग इंपेयरमेंट है. हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों में जो उनका प्राइमरी कंसर्न होता है, वह लैंग्वेज और कम्युनिकेशन होता है. इनका जो बाधित होता है, इनका सुनने की ना सुनने की वजह से इनका जो प्रभाव होता है, वह उनके भाषा पर और कम्युनिकेशन पर पड़ता है. तो भाषा और कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ना ही जो है वह हियरिंग इंपेयरमेंट का कारण होता है. अब इसकी वजह से जो ये सुन नहीं पाते हैं, सुनने की वजह से उनका भाषा और कम्युनिकेशन जो बाधित होता है, उसका इनका नकारात्मक असर इनके जीवन पर पड़ता है और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी पड़ता है. इसका असर उनके संवेगात्मक असर पर विकास पर पड़ता है और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है, सामाजिक विकास पर पड़ता है,
ऐसे सारे विकासों पर इनका जो है वो असर होता है। इसलिए इन बच्चों को जो हियरिंग पर बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जिन्हें बहरे मुंगे बच्चे कहते हैं, इन बहरे मुंगे बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को, डेफ बच्चों को ज्यादा सीरियस अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है। और इनको सोसाइटी में अगर ध्यान न दिया जाए तो बच्चे जो है सोसाइटी से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, अपने परिवार से कट जाते हैं, जो सुनने वाला समुदाय उससे कट जाते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं जो सुनने का प्रोसेस है वह कैसा होता है। कान जो है वो उसके तीन प्रकार होते हैं। कान तीन रूपों में काम करता है। जो सुनना हमारा तीन रूपों में काम करता है। जो कान है, कान के तीन भाग होते हैं। एक को भाग कहते हैं आउटर ईयर और एक को भाग को कहते हैं मिडल ईयर और एक को अंदर वाले भाग को कहते हैं इनर ईयर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला भाग है इस वाले भाग को कहते हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक के भागों को कहते हैं आउटर ईयर। जो ये पिंक कलर का भाग है इसको कहते हैं मिडल ईयर और जो यह ब्लू कलर का कलर है इसको कहते हैं इनर ईयर। तो आउटर ईयर से आवाज जो है वो बाहर से, जिसे हमारे कान से आवाज जो है वो आउटर ईयर से ध्वनि को लेकर के वह सीधे हमारे कान के पर्दे तक पहुंचाता है। यहाँ पे कान के पर्दे को कहते हैं, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये कान के तीनों पर्दों से तीन हड्डियां होती हैं, मेलेस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों हड्डियों से गुजर करके तीनों हड्डियां आपस में वाइब्रेशन करती हैं और फिर वहां से वह सीधे कॉकलिया में ध्वनि को पहुंचाते हैं और कॉकलिया से वह सीधे ब्रेन स्टेम तक और सुनने तक पहुंचाते हैं। ब्रेन स्टेम से जो ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, वहां से लेकर के फिर व्यक्ति सुनता है और बोलने लगता है। तो इस तरह से कान के जो है वो तीन भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये हियरिंग का प्रोसेस होता है। आगे बात करते हैं हियरिंग का लॉस। हम अभी हियरिंग इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं, सुनने की अक्षमता की बात कर रहे हैं। तो हियरिंग लॉस, अब जो सुन ना पाना आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में अगर कहीं नुकसान है तो हियरिंग लॉस कैसा होता है। हियरिंग लॉस जो है वो पांच प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरे को कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तीसरे को कहते हैं मिक्स हियरिंग लॉस और चौथे को कहते हैं सेंट्रल हियरिंग लॉस और पांचवे को कहते हैं फंक्शनल हियरिंग लॉस। ये पांच प्रकार के हियरिंग लॉस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आउटर ईयर और मिडल ईयर में खराबी हो, आउटर ईयर और मिडल ईयर में खराबी हो, उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। जिसको आउटर और जिसको इनर ईयर में खराबी हो, पूरा जो हमारा अंदर का भाग है, कॉकलिया भाग है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसमें अगर यहाँ पे कहीं समस्या है उसे कहेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर तीनों भागों में अगर खराबी है तो उसे कहेंगे मिक्स हियरिंग लॉस। अगर अंदर सेंट्रल में, मध्य में अगर कहीं खराबी है तो उसे कहेंगे सेंट्रल हियरिंग लॉस। अगर कोई किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से वह सुन नहीं पा रहा है, वह सुनने का नाटक कर रहा है, उसे कहेंगे फंक्शनल हियरिंग लॉस। वैसे पांच प्रकार के हियरिंग लॉस होते हैं। आगे बात करते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है वह कैसे किया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सुनने की तीव्रता है वो डेसिबल में नापी जाती है। तो इसको जो सुनने की तीव्रता है इसको डेसिबल में नापा जाता है। तो 0 से 25 dB तक, 0 से 25 dB तक का जो अगर कोई चीज के पास सुनना है उसे नॉर्मल कहेंगे। जैसे हम आप हैं, हम नॉर्मल हैं। 26 से 40 dB का जो सुनना है, अगर वहां तक किसी व्यक्ति का 26 से 40 dB तक का सुनने का है तो उसे कहेंगे माइल्ड, यानी उसको सुनने में थोड़ी समस्या है, ज्यादा समस्या नहीं बट थोड़ी समस्या है। वो अगर हियरिंग एड लगा ले तो वह ठीक हो सकता है, उसको वह आराम से बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। 41 से 55 dB तक का हियरिंग लॉस है तो उसे कहेंगे मॉडरेट, यानी उसको सुनने से थोड़ा सा अधिक उसको लॉस है और उसको हियरिंग एड अगर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का हियरिंग एड देंगे तो भी वह सामान्य धारा में वह आ सकता है। 56 से 70 dB तक के हियरिंग लॉस को कहते हैं मॉडरेटली सीवियर, यानी वह सीवियर है, उसको गंभीरता आ रही है बट यहाँ भी अगर हम हियरिंग एड देते हैं तो भी वह उसको सुनाई हो सकता है। एक होता है 71 से 90 dB, 71 से 90 dB तक के हियरिंग लॉस को सीवियर हियरिंग लॉस कहते हैं, जहां पे उसको काफी समस्या होती है सुनने में और उसका भाषा पर उसका प्रभाव होता है। और 91 से 91 से ऊपर तक के हियरिंग लॉस को हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगर किसी को हियरिंग लॉस है और अगर हियरिंग लॉस का, हियरिंग इंपेयरमेंट का अगर जल्दी से इलाज ना किया जाए तो उसका असर और कहां हो सकता है। तो उसका असर हो सकता है, उसके साथ में और कौन कौन सी कंडीशन जुड़ सकती हैं। तो व्यक्ति हियरिंग लॉस होगा ही, साथ साथ में उसका स्पीच का जो परसेप्शन है, जो सुनना है, जो बोलना है उसका, वो बोलना वह व्यक्ति वह नहीं ढंग से कर पाएगा। वह जो है उसका सामाजिक इंगेजमेंट, जो समाज के धारा में वह जुड़ना है, वह सामाजिक इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चे का जो है वह संज्ञान कम हो जाएगा, वह उसका फिजिकल फंक्शन होगा, वह जो उसका शरीर का बढ़ना है वो उसका, उस पर भी असर होगा और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वह भी पुअर होगी, वह खराब होगी। यानी इसका असर कहाँ कहाँ होगा। इसका असर सुनने पर होगा, बोलने पर होगा, इसके समाज पर होगा और इसके, ये अकेला फील होगा, डिप्रेशन फील करेगा और इसका जो शारीरिक विकास वह कम होगा और इसका जीवन पर भी असर होगा।
आगे बात करते हैं हियरिंग के टेस्ट कैसे होते हैं, अगर हमको कैसे जानना पड़ेगा कि बच्चे के पास इतना अभी का हियरिंग लॉस है, तो उसके लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक को कहते हैं इनफॉर्मल टेस्ट और दूसरे को कहते हैं फॉर्मल टेस्ट। इनफॉर्मल टेस्ट जैसे हम अपने आसपास हमने किसी चीज को बोला या आवाज बजा दी, तो आवाज बजाई बाहर से तो उसको लगा हुआ सुन नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ हियरिंग लॉस उसको है। एक को कहते हैं इनफॉर्मल, दूसरे को कहते हैं फॉर्मल। तो फॉर्मल वो होता है जिसको कहते हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हियरिंग लॉस को कहते हैं इमिटेंस ऑडियोमेट्री, ऑटोकॉस्टिक एमिशन, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री स्टेडी रिस्पॉन्स, स्टेडी रिस्पॉन्स, ये होता है इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव कहते हैं ट्यूनिंग फोक टेस्ट, प्योटोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, फ्री फील ऑडियोमेट्री। तो ऐसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में इसको डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं, अगर किसी को हियरिंग लॉस है, हमने जान लिया कि हियरिंग टेस्ट कर लिया, अब उसको हम हियरिंग एड कैसे देंगे, यानी हमने जांच तो कर ली, उसको हियरिंग एड देना है ताकि वह समाज की मुख्यधारा में जुड़ पाए। तो हियरिंग एड देने के लिए, हियरिंग एड जो है वो दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एक होता है व्यक्तिगत रूप में कोई एक जो यूज करता है, और एक होता है ग्रुप में जो यूज करते हैं। तो इंडिविजुअल हियरिंग एड और ग्रुप हियरिंग एड। इंडिविजुअल हियरिंग एड जो है उसको भी हम अलग अलग ग्रुपों में जानते हैं। एक को कहते हैं पहनने के आधार पर, हम अपने कहाँ पहनेंगे उसको, यहाँ पहनेंगे या यहाँ पहनेंगे या फिर हम ऐसे लगा के पहनेंगे, वो पहनने के आधार पर होता है। तो पहनने के आधार पे इतने प्रकार की हियरिंग एड यहाँ पे दिए हुए, देख सकते हैं आप चित्र में भी दिखा रहा है। अब आगे बात करते हैं दूसरा, वह एम्पलीफिकेशन ऑफ द ईयर, कान में कितनी तीव्रता देनी है, उसके आधार पर भी हियरिंग एड का डिसाइड किया जाता है कि वह एक कान में देनी है, दोनों कानों में देनी है, या मतलब वह दोनों कानों के आधार पर देनी है, तो ये इसके आधार पर होता है। फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हियरिंग एड डिसाइड करते हैं कि हियरिंग एड कौन सी देना है। तो एनालॉग हियरिंग एड होता है, प्रोग्रामेबल हियरिंग होता है, डिजिटल हियरिंग होता है। वहीं अब बात करते हैं एक और हियरिंग एड होता है जो गेन के आधार पर होता है, यानी तीव्रता कितनी देनी है, वह कम आवाज देनी है, ज्यादा आवाज देनी, उससे ज्यादा आवाज देनी, उससे ज्यादा आवाज देनी, तो उसे कहते हैं माइल्ड क्लास, मॉडरेट क्लास, स्ट्रॉन्ग क्लास और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्लास। वहीं बात करते हैं कि सिग्नल कैसा होगा, सिग्नल जो है वह एक कान के जरिए जाएगा या हड्डियों के जरिए जाएगा। तो कान के जरिए जाएगा तो उसे ईयर कंडक्शन हियरिंग एड कहते हैं, और हड्डियों के जरिए जाएगा या बोन कंडक्शन या हड्डियों के जरिए अगर जाएगा उसे कहेंगे बोन कंडक्शन। ग्रुप हियरिंग एड कैसा होता है, जहां मैंने बताया ग्रुप में, तो क्लास में, जैसे अगर हम कहीं क्लास में बैठे हैं तो क्लास में रहने के लिए सारे बच्चों के पास हेडफोन होते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर सिस्टम। और एक होता है लूप इंडक्शन सिस्टम, दीवारों के ऊपर पूरा लगा दिया जाता है, उसे लूप इंडक्शन सिस्टम कहते हैं। जैसे आप ये वाले चित्र में देख सकते हैं, लूप इंडक्शन सिस्टम है। अब वही बात करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिस्टम है, जैसे ये टीचर ने पहना हुआ है, देखिए यहाँ पे एक एफएम सिस्टम इसने लगा रखा है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिस्टम या एफएम सिस्टम। एक होता है इंफ्रारेड सिस्टम, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में यहाँ पे जैसे हम आजकल वाईफाई लगाते हैं, तो वाईफाई वो इंफ्रारेड होता है, तो वाईफाई के जरिए जो है वो वाईफाई एक इंफ्रारेड का ही रूप है, तो वैसा ही सिस्टम हो सकता है, उसे इंफ्रारेड सिस्टम कहते हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, टैक्टाइल एड होता है, इस प्रकार की हियरिंग एड होते हैं। आगे बात करते हैं हियरिंग एड जो है, जो हियरिंग इम्पेयर है उनको चार रूपों में जाना जाता है। एक को कहते हैं स्मॉल डी, दूसरे को कहते हैं कैपिटल डी, एक को कहते हैं डिफेंड और एक को कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो स्मॉल डी वाले होते हैं, स्मॉल डी का मतलब होता है वह ऐसे बच्चे, ऐसे पर्सन जिनको सुनाई होता है, जिनको सुनाई होता है और वो हियरिंग एड पहनते हैं, उन्हें कहते हैं स्मॉल डी। और जिनको सुनाई बिल्कुल नहीं होता है, वह शुरू से ही बचपन से ही नहीं सुन पाते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल डी। ऐसे व्यक्ति जिनको कि सुनने में बहुत बाद में समस्या होती है, जैसे कोई वृद्ध हो जाता है या उसकी एज बढ़ जाती है, एज बढ़ने पर वो कोई व्यक्ति जो है वो सुनने में अक्षम होता है, तो उसे कहते हैं डिफेंड। यानी जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे देखने की क्षमता घटती है, सुनने की क्षमता घटती है, तो हमारे सेंसेस वो घटने लगते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं डिफेंड, यानी वह बधिरता लंबे समय में जाने के बाद। एक को कहते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट जो है वो ऑफिशियल टर्म है, जो पीडब्ल्यूडी में और आरसीआई ने या इसको इजाद किया हुआ, हियरिंग इंपेयरमेंट जैसे डब्ल्यूएचओ उसने किया हुआ, तो ऑफिशियल टर्म है, इसे कहते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। अब बात करते हैं ये हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे हैं वह कैसे एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इनके पास तीन मोड होते हैं, और तीन मोड जो है वह इन आरल ओरल के आधार पे, विजुअल ग्राफिकल के आधार पे, विजुअल मैनुअल के आधार पे और स्पीच और रीडिंग के आधार पे डिसाइड होता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं, एक तो भाषा, जो भाषा है वो भाषा एक बोली जाने वाली भाषा है और एक सांकेतिक भाषा है, एक ये। और दूसरा जो है वह मैनुअल, मतलब वो वर्बल और मैनुअल दो प्रकार की भाषा होती है, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है आरल ओरल, विजुअल ग्राफिकल, विजुअल मैनुअल और स्पीच रीडिंग। इसके आधार पे तीन प्रकार का जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तीन प्रकार के क्या होते हैं, एक होता है ओरलिज्म,
दूसरा होता है टोटल कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। ओरलिज्म क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओरलिज्म जो है जहां व्यक्ति खाली बोलता है और सुनता है, यानी वो बोलने पर फोकस करता है और सुनने पर फोकस करता है, वह चीज होती है ओरलिज्म। एक दूसरा होता है जहां पे बोलने पर फोकस होता है और साथ साथ में साइन होती है, उसे कहते हैं टोटल कम्युनिकेशन। एक जहां पे साइन ही होती है और साइन में ही प्रति अभिव्यक्ति होती है, उसे कहते हैं एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। यानी व्यक्ति खाली साइन में ही बात करेगा, ऐसा बच्चा जो सुन नहीं पाता वह खाली मात्र साइन में ही बात करेगा, उसे कहेंगे विजुअल और मैनुअल। आगे बात करते हैं कुछ और मेथड है पढ़ाने के मेथड। तो पढ़ाने के मेथड के लिए जैसे आप लोग जानते हैं सभी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जब टीचिंग सब्जेक्ट की टीचिंग जब कराते हैं तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, हिस्टोरिक मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है। अब कम्युनिकेशन जो हम लैंग्वेज सिखाते हैं उसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो टास्क बेस्ड अप्रोच होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, ट्रांसलेशन मेथड होता है। बट जब हम बात करते हैं खाली CWHI बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए भाषा सिखाने की बात करते हैं, तो वहां पे जो है वह चार प्रकार के मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल मेथड, दूसरा होता है नेचुरल मेथड, तीसरा होता है कंबाइंड मेथड, और चौथा होता है मैटर्नल रिफ्लेक्टिव मेथड। तो ये जो चार मेथड है, ये चार मेथड खास हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड में जहां भाषा पर फोकस किया जाता है, नेचुरल मेथड में जहां बच्चों को प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है, और तीसरा होता है स्ट्रक्चर जहां पे दोनों को मिला करके किया जाता है, और चौथा होता है मातृत्व चिंतन विधि। आगे बात करते हैं, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रक्चरल मेथड, नेचुरल मेथड और कंबाइंड मेथड का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे हम स्लाइड में देख सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने की CWHI बच्चों को, चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के, भाषा सिखाने के कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तो समाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, भ्रमण करा के पढ़ा सकते हैं, कविताओं के जरिए पढ़ा सकते हैं, कुछ अनसीन पैसेज देकर के पढ़ा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बच्चों का भाषा विकास कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हैं अलग अलग प्रकार की। तो हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों में, जो स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं पढ़ाने के समय पे। एक स्पेशल एजुकेटर, एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो जब बच्चों को पढ़ाएगा तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा। तो सबसे पहले तो यह स्ट्रेटजी अपनाएगा, सबसे पहला वह ध्यान देगा कि बच्चे जो है वह अपना जो हियरिंग एड पहने हैं, वह हियरिंग एड वह अपना पहने रहे, यानी जो उनका एम्पलीफिकेशन डिवाइस है, एम्पलीफिकेशन डिवाइस मतलब उनके पास जो हियरिंग एड है, वह हियरिंग एड बच्चे पहने हो, और उस हियरिंग एड में वह हियरिंग एड प्रॉपर तरीके से काम करता हो। सबसे पहले टीचर ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि बच्चे हियरिंग एड पहने हैं और प्रॉपर तरीके से हियरिंग एड काम कर रहा है, ये ध्यान करना। दूसरा है कि बच्चों की जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसका ज्यादा ज्यादा उपयोग किया जाए, यानी बच्चे के पास जितना भी है, मैंने पीछे बताया कि हियरिंग एड कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर बच्चे के पास जितनी बची हुई श्रवण क्षमता है, बच्चा जितना सुन सकता है, अगर ज्यादा है तो उसको आवाज को बढ़ा करके सुनाए, आवाज को कम करके, यानी उसके सुनने पर ज्यादा फोकस कराए। बच्चा जितना सुनेगा उतना ही उसकी भाषा का विकास होगा, तो दूसरी स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी है कि यह ध्यान करें कि जब भी आप, जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि टीचर बैठी हैं और बच्चों के उसके सामने बच्चे बैठे हैं, ताकि जो हियरिंग पर बच्चे हैं वह एकदम सेमी सर्कल आकार में बैठे और टीचर उनके सामने बैठे, टीचर सामने बैठे, और जो कुछ भी टीचर बोले वह बच्चे उनका लिप रीडिंग करें, उनका फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करें, सब कुछ रीड करें, तब जाकर के बच्चे सीख पाएंगे। तो यह जो है वह फेशियल, वह टीचर यह सुनिश्चित करे उसका फेशियल एक्सप्रेशन और माउथ बच्चों के सामने। आगे की स्टेट्स की बात करते हैं, तो यह ध्यान करें कि एकदम नॉर्मल आवाज में बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल आवाज में बात करें और हार्शनेस आवाज में बात करें, या बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बात करें, ताकि बच्चा उस चीज को सुन सके और समझ सके, ये ध्यान करें। आगे बात है, अगला जो स्ट्रेटजी है वह स्ट्रेटजी है कि यह ध्यान करें अगर टीचर बच्चे के पास घर में कोई इंटरप्रीटर है, या घर में कोई उसके मम्मी पापा उसको ध्यान देने वाले हैं, तो वहाँ उसका भी फॉलोअप लेते रहें कि जो, और उसको बच्चे को दें कि जाकर के घर पे अपने टीचर से पूछना, या अपने इंटरप्रीटर से पूछना, या अपने पेरेंट्स से पूछना, तो पूछ करके लेके आना, तो ये भी वहाँ पे ध्यान करें। अगला जो है कि जब भी हम लिखें बोर्ड पे, जब लिखें, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टीचर लिख रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे, टीचर जब भी बोर्ड पे कुछ लिखे तो वहां पे लिखते समय बोर्ड पे जब लिख रहा है तो कुछ भी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि टीचर का जो मुंह है वो बोर्ड की तरफ होगा, बच्चों की तरफ नहीं होगा। बच्चे आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करेंगे, आपकी स्पीच रीडिंग को रीड करेंगे, तो वहां पे जब भी बोले तो बच्चों के सामने रह करके बोले, जब बोर्ड की तरफ हो तो उस टाइम पे ना बोले।
अगला जो स्ट्रेटेजी है वह है कि जब भी पढ़ाएं तो ज्यादा ज्यादा ग्राफ का इस्तेमाल करें। जैसे मैं भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ तो लेक्चर लेते समय मैं ज्यादा विजुअल ग्राफिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को जो विजुअल, ये जो हियरिंग पर बच्चे होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा ज्यादा पिक्चर और ग्राफ का इस्तेमाल करें। और अगला है कि हर एक लेसन को, जो भी लेसन पढ़ाए, चाहे हिंदी का लेसन, अंग्रेजी का लेसन, गुजराती का लेसन, मराठी का लेसन, सोशल साइंस का, साइंस का, किसी प्रकार का भी लेसन जो पढ़ाए, मैथ का, किसी भी प्रकार का, उसको आप लैंग्वेज के रूप में ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को हर एक पार्ट पढ़ाने में बच्चों का भाषा विकास होना चाहिए, यह टीचर को सुनिश्चित करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो बच्चे को असेसमेंट करेंगे कि हमने क्या पढ़ाया और किस तरह से पढ़ाया, ये हमको ध्यान में रखना है। तो उसको बच्चे को ज्ञान कितना हुआ और बच्चे को भाषा कितना हुआ, इस पर जो है वो हमको असेस करना है। तो असेस करने के लिए दो रूपों में असेस करते हैं, एक भाषा के रूप में और एक लैंग्वेज के रूप में। तो यहाँ देख रहे हैं, हमें जब भी हम अपना गोल निर्धारित करें तो गोल निर्धारित करने में लैंग्वेज के आधार पर और नॉलेज के आधार पर अपना गोल निर्धारित करें। जब हम उसको इंप्लीमेंट करें, उसको बच्चों को पढ़ाते समय, तभी भी हम भाषा और ज्ञान को ध्यान में रखें, और जब हम असेसमेंट करें तब भी हम भाषा और ज्ञान का निर्धारण करें। तो यहाँ तक हमें जो है बात करी आपके लिए हियरिंग इंप्रूवमेंट के क्या क्या मुद्दे हैं और उनके साथ में कौन कौन सी कंडीशन है, उनको कैसे पढ़ाते हैं, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।